पाकिस्तान के लोग सानिया मिर्जा को भाभी कहते हैं, तो आज सियालकोट स्टैलियंस की फतह में क्या भाभी का भी कोई किरदार था? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन पे हो रहा है ये तो होना ही था। जाने ये पूरी टीम की मेहनत थी या भाभी का चमत्कार। बहरहाल शुएब मलिक का हुआ बेड़ा पार। इसकी टीम ने 10 रन से कामयाबी हासिल की और फैसल बैंक T20 कप 2011-12 की चैंपियन टीम करार पाई। रावलपिंडी रैम्स की टीम 18वें ओवर तक मतलूबा औसत से रन्स कर रही थी, लेकिन फिर शुएब मलिक ने 19वां ओवर रजा हसन को दिया और हार्ड हिटर हम्माद आजम एक अहमकाना रन लेते हुए आउट हो गए। दूसरा रन भी मुकम्मल किया, रन आउट होने का खतरा और हम्माद आजम रन आउट। अगली गेंद पर कप्तान सुहेल तनवीर ने बल्ला घुमाया, लेकिन उनके हाथ कुछ न आया, बल्कि कैसर अब्बास ने कैच पकड़कर रावलपिंडी रैम्स की उम्मीदों को खाक में मिलाया। कैच लिया और लगता है इन दो विकेटों ने अब इस मैच का पासा और जॉनिक चाल को स्टैलियंस के हक में पलट दिया है। आखिरी ओवर में रावलपिंडी रैम्स को फतह के लिए 15 रन चाहिए थे। इस मौके पर सानिया मिर्जा मुसलसल दुआ गो रही। जब भी रावलपिंडी रैम्स के खिलाड़ियों से गेंद मिस होती, भाभी खुशी से तालियां बजाने लगती। बिलाखिर आखिरी गेंद भी मिस हुई और सानिया मिर्जा के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। शोएब और सानिया की वजह से कराची के क्राउड ने भी सियालकोट का साथ दिया और फतेह पर भरपूर खुशी मनाई।